गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डोडी, सीएलसी केमिस्ट्री। मैं दयाल चौधरी, केएमसीएलसी। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में फर्स्ट पार्ट बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसके बारे में करें सर। नेट के हिसाब से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल एक या दो क्वेश्चन कंफर्म आएंगे यहां से, और आते मेनली कहां से है, इसके आइसोमेरिज्म और इसकी हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन हर साल के। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेस, ये वीडीटी, सीएफटी और अपन आइसोमेरिज्म कर ले तो टॉपिक कवर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसी को ध्यान में रख के आज करते हैं इसको सीरीज को। द ऑक्टेनाइटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल आयन M3+ विद द फोर मोनोडेंटेड लिगेंड L1 L2 L3 एंड L4। अब जो वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू रेस्पेक्टिवली, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर लिगेंड। यहाँ पे आपको एक M+3 आयन दिया है और इसका अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। एक बार तो L1 लिगेंड L1 के साथ है, और इसमें सबके लिए बोल रहा है कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात ये यहाँ पे कर रहा है। एक मिनट, M+3 फोर मोनोडेंटेड लिगेंड दिए हैं। आप यूं कर लो, L1 दिया है, M+3 के साथ है, डेंटिसिटी की बात नहीं की, L1 जुड़ा है, M3 के पास आपका L2 जुड़ा है, M+3 के साथ आपका L3 जुड़ा है, और M+4 के साथ आपका L4 जुड़ा है। तो अपने को इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ध्यान रखना है, सबको याद होगा विविजुअल, और ये भी सबको ध्यान में होगा कि एनर्जी और वेवलेंथ ये एक दूसरे के इनवर्सली चलते हैं। सबको बताया है SC/λ, मतलब आपकी ई और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली है। तो इधर जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होती है, और लैम्डा इंक्रीज होने का मतलब है आपकी एनर्जी इधर जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो अब आ जाओ बिल्कुल सिंपल सी चीज यहां पे बात कर रहा है। L1 आपका कौन सा कलर ले रहा है, रेड ले रहा है, रेड ले रहा है, तो सबसे कम एनर्जी हो गई सर, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो एनर्जी सबसे कम हो गई, तो सबसे कम एनर्जी का तो हो गया आपका L1। फिर उसके बाद में L2, L2 आपका ऑब्जर्व कर रहा है ग्रीन, तो यहां से पता चल रहा है, ये तो यूं कर लिया करो इसको, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। फिर आगे बात करें येलो, तो ये आपका L3 है। फिर अपन बात करें ब्लू, तो ये आपका L4 है। इधर लैम्डा बढ़ रही है और इधर एनर्जी बढ़ रही है, तो आपका सीक्वेंस कौन सा आ गया, L1 सबसे कम, इससे ज्यादा L3, फिर L2, फिर L4, या फोर्थ आंसर आ जाएगा आपका। फोर्थ आंसर आएगा, सर्किट ट्रिक है, उसके हिसाब से याद रखें, पहले जो लिख लें उसको किसके बेस पर, ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अपन अरेंज कर लेंगे, अगले दे रखा है कलर, दे रखा है कलर के हिसाब से देख लेंगे, अगर एनर्जी पूछे तो एनर्जी बता देंगे, और लैम्डा पूछे तो बिल्कुल सर। इसमें सर एक थोड़ा सा लफड़ा कई बार दे देता है, यहाँ पे तो इसने सीधे सीधे बात कर ली कि कलर कौन सा ऑब्जर्व कर रहा है। कई बार क्या कहता है कि लिगेंड इस कलर का शो हो रहा है, तो शो हो रहा है तो हमेशा कलर जब शो करता है तो ऑब्जर्व करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। तो ऐसे में अगर ये चीज ये बोलता ना कि इस कलर के शो हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता, इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख लेते, और जब इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख लोगे फिर उनके हिसाब से वेवलेंथ आपको सेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पे तो फोर्थ आंसर हो गया, देखिए बिल्कुल सर, विच इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब आपको ये देखना है किसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो देखो आप इनके पास नॉट इज टू 0, बिल्कुल पैरामैग्नेटिज्म पूछा है, डायमैग्नेटिज्म होता तो अपना 0 की बात करते हैं। तो अब कहीं देख रहे होंगे इनका फॉर्मूला बनाना है, कुछ नहीं बनाना, आप तो सिर्फ फेरो का मतलब होता है +2, ये याद रखो, फेरी का मतलब होता है +3, और आपको पता है दोनों में साइनाइड है, और साइनाइड का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो एक में तो +2 आयन है, आ जाओ Fe+2 आयन, तो इसके लिए आ जाएगा आपका आर्गन तक तो सेम रहेगा 3D6 आ जाएगा, 4S0 आ जाएगा, और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो सर बेस्ट वे अपना CFP, तो सीधे CFP पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, ये आ गया 3D6, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जैसे लिगेंड अप्रोच करता है, जिसमें EG ऊपर चला जाता है, T2G आपका नीचे आ जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए अपने 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3,
अब आपको पता है लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा तो ये हो गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जीरो, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन की साथ में बात कर ले D2s भी क्रिया देगा, तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि n माइनस वन डी इन्वॉल्व हो गया। दूसरा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर है लेकिन कॉम्प्लेक्स में जीरो है, तो अपने इसको बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाए मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक बिल्कुल सर। ये Fe प्लस थ्री की बात करें तो मैं इसी को आगे कर देता हूं यहीं पे, अगर ये प्लस थ्री होता तो ये पांच होता, समझ रहे होंगे आप चीजों को, पांच होता तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन अपना एक ही होता, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो ऐसे में क्या होता, पेयरिंग भी होती, पेयरिंग भी होती वन टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अभी भी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आता, एक है, एक आता, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा, लो स्पिन होगा क्योंकि चार से अनपेयर्ड हो गया एक, और अपने को पैरामैग्नेटिक ही ढूंढना था, तो ये हो गया सर बिल्कुल पैरामैग्नेटिक। तो अपना सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ गया। फिर भी आगे देखिए कोबाल्ट प्लस थ्री की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 3d6, क्यों सर? बिल्कुल सर। और एमीन आपको पता है ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया ये भी, तो ये भी पेयरिंग कर देगा, तो आप पेयरिंग करवा के देख लेना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जीरो जीरो। वैसे ही टेट्रा कार्बोनिल निकल इसकी बात कर लेते हैं, तो देखो ये आ गया NiCO4 इसकी बात कर रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेज जीरो, इसका मतलब है 3D8 4S2। बिल्कुल सर। इसका थोड़ा सा अपन बात यहां पे कर लेते हैं, पेज खाली कर रहे हैं ये तो समझ में आएगा, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं निकल की, तो निकल के लिए मैंने लिखा 3D8 4S2। तो देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गई, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाती है तो बेस्ट वे उसके लिए VBT रहता है, क्योंकि CFT लगाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए DSP2 होगा या SP3 होगा, क्योंकि दोनों की स्प्लिटिंग अलग होगी। तो यहां पे अगर अपन देखें तो अपना 1, 2, 3 ये हो गए, ये 4S हो गया और ये 4P हो गया, 4P 4S और ये 3D, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 इसके फिल हो गए। अब एक्चुअली होता क्या है, S में भी दो हैं, और आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पाई एसिड लिगेंड है, क्योंकि सिग्मा डोनर के साथ साथ ये पाई एक्सेप्टर है, अपने वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में ये लोन पेयर मेटल से ले लेता है, तो पाई एक्सेप्टर भी हो गया, और जो भी पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर का काम करते हैं वो पाई एसिड लिगेंड हो गए, और पाई एसिड लिगेंड जितने भी हैं सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और आपने इसी इसकी पढ़ोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये क्या करेगा 4s के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा 3d में, तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां, तो इनकी पेयरिंग हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जीरो और इसका हाइब्रिडाइजेशन चला जाएगा sp3, क्यों सर? बिल्कुल। तो ये भी कैसा हो गया डायमैग्नेटिक, तो ध्यान रखना बेटा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये कैसा होता है डायमैग्नेटिक होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि d8 आते ही आप क्या करते हो कि अंदर उसको पेयरिंग करा के ही एक अंदर वाला d खाली कर लेते हैं, इनको भूल जाते हैं ये लोग, बिल्कुल 4s वाले पड़े इनको भूल जाते हैं, तो ये याद रखना है आपको कि ये इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 आएगा और ये 4s वाले अंदर जाके चले जाएंगे। एक ट्रिक आप इनके लिए लिख लो सबके साथ, खाली पेज ले लेते हैं, आप इसको छाप लेना चाहिए, D1 से D3 तक ऑक्टाइडल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो D1 से D3 की जब भी बात आएंगी अंदर हमेशा ही खाली रहेगा और हमेशा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑक्टा होगा ये हमेशा और हमेशा हाई स्पिन होगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने फ्री मेटल आयन के पास है उतने ही कॉम्प्लेक्स में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर फ्री मेटल आयन और कॉम्प्लेक्स में चेंज नहीं होते तो उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है। फिर उसके बाद में D8 से 10 की बात करें तो मैं बात फिर से वही घुमा फिरा के बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, ऑक्टाइडल की, हालांकि D9 और D10 कॉन्फिगरेशन में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, एक जनरली चीज लिखी जाती है क्योंकि जिंक वाली सीरीज भी नहीं देगी, D10 कॉन्फिगरेशन में कभी ऑक्टाइडल मिलता नहीं है जनरली, क्यों सर? फिर भी अपन बात करें जनरली तो इसमें
अंदर तो वैकेंट कभी मिलेगा नहीं, sp3d2 रहेगा, आउटर ओक्टा रहेगा और ये भी हमेशा हाई स्पिन ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल आएंगे। लेकिन d4 से d7 ये इंपॉर्टेंट है, इनमें लिगेंड अपना असर दिखाएगा। वीक फील्ड तो क्या करता है, वैसे ही चलेगा, खाली है तो ले लेगा, खाली नहीं है तो आगे चला जाएगा। एक चीज का याद रखना, या तो दोनों डी अंदर वाले हों या दोनों डी बाहर वाले, ऐसे नहीं एक अंदर से ले लिया एक बाहर से। तो यहां पे अंदर तो मिलता नहीं है तो ये हाइब्रिडाइजेशन देगा sp3d2 और ये हमेशा ही आउटर ऑक्टा होंगे और हाई स्पिन होंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये हुंड के अपोजिट जाकर के पेयरिंग करवाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो चुकी है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आएगा, ये हमेशा इनर ऑक्टा रहेगा, लो स्पिन हो। एक चीज आपको ये याद रखनी है, अगर दोनों पॉसिबिलिटी हो, आउटर भी बना सकते हो इनर भी, तो इनर का फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि लो स्पिन और हाई स्पिन ज्यादातर इन्हीं के लिए बोलना सही रहता है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां कम होंगे इसलिए इनको लो स्पिन भी बोला जा सकता है। ये पूरे का समराइज हो गया सर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, लिगेंड कॉल्ड पाई एसिडेस, पाई अमल लिगेंड कहा जाता है, बताइए सर। देखो पाई एसिड लिगेंड में आप हमेशा ध्यान रखो, जनरली क्या होता है, लिगेंड होता है वो लोन पेयर देता है किसको, मेटल को, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है आपका। आपको पता है सीओ में कार्बन के पास पाई स्टार वेकेंट पड़ा है, वहीं इधर मेटल के डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड पड़े हैं। तो ये क्या करेंगे, पीछे की तरफ लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं जिससे पाई बैक बॉन्ड बन जाता है, इसी को अपन सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें आपको पता है कि डी के फील्ड इलेक्ट्रॉन काम में ले रहे, तो इसके पास जितना ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होगा उतनी बैक बॉन्डिंग बनाने की नेचर बढ़ेगी। इसका मतलब है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, यहां पर तो डबल बॉन्ड हो गए, सिंगल से हो गए डबल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ कम होगी और यहां पे ये बॉन्ड हट जाएगा फिर। तो ऐसे में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। दोनों अलग चीजें, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो अपना सर यहां पे सीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री ऑफ NiCN का होल फॉर -2 एंड NiCl4 -2 रेस्पेक्टिवली। अब एक निकल के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। तो इसमें अपना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा बेटा, DsP2 आ जाएगा, अंदर वाला डी काम आएगा पेयरिंग होने के बाद, अंदर वाला एक डी वैकेंट हो जाएगा। इसमें बात करें तो कौन सा आ जाएगा, sp3 आएगा, sp3 आएगा तो शेप अपनी कौन सी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। बिल्कुल सर, जबकि DsP2 आएगा तो कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसा अपने ऑप्शन में देखें कहां है, ऑप्शन नंबर 3 आ गया अपना। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करें। जी सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल AgCl फाउंड व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3 4NH3 रिएक्ट विद एक्सिस AgNO3 सॉल्यूशन। अब इसमें बेटा जी अपने को एक कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहां देखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम प्लस 3 में है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमियम प्लस 3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने रखेगा, 6 रखेगा, तो 4 तो अमोनिया हो गए, 2 Cl रहेंगे, तो बाहर कितने Cl रह जाएंगे, बाहर 1 Cl रह जाएगा। बिल्कुल, यही Cl आयन के फॉर्म में अलग होगा और यही किसके साथ रिएक्शन करेगा, Ag के साथ रिएक्शन करेगा। तो 1 Cl मिल रहा है तो अपन 1 AgNO3 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल AgCl का फॉर्मेशन करेगा। एक मोल AgCl का फॉर्मेशन करेगा तो अपने पास आ जाएगा आंसर 3rd, जितने Cl मिलेंगे उतने ही AgCl मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन स्फीयर का होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया उसका कभी भी आयनाइजेशन नहीं होगा, तो ये कभी भी आयनों के टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ बाहर वाले देंगे। नेक्स्ट बात क्यों सर। जी सर, तो यहां पे अपना आंसर लगवा दिया, आंसर 3rd हो गया। नेक्स्ट, व्हिच इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा बायकक्षक संकुल है। बायकक्षक संकुल का मतलब सर ने अभी आपको बताया था कि बाहर वाले डी काम आ रहे हैं, कौन से डी काम आ रहे हैं, बाहर वाले, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है सभी में,
अरे डी एट किसी में आ रहा है, डी एट से डी टेन आ रहा है तो कैसा आएगा, 22 अनुकूल लिगेंड आएगा। ये कोबाल्ट प्लस 3 में आ गया तो इसका मतलब हो गया 3d6 और ये आ गया 3d8। तो सर ऑल ट्रिक लग गई कि d8 आ गया, d8 आता है कौन सा मिलेगा अपने को, 22 अनुकूल मिलेगा, आउटर ऑर्बिटल मिलेगा, इनमें सब में क्या मिल जाएगा, इनर ऑर्बिटल मिल जाएगा, तो आंसर अपना आ जाएगा 4। सर ऑल ट्रिक लगाओ और जल्दी से आंसर पाओ। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EAN of CO in Na3CONO2 का होल 4 Cl2 is कैलकुलेट करना होता है सर। ये आपको एक फॉर्मूला लिखवा लेते हैं सर, बाकी बच्चे कर लेंगे इसको। तो EAN आपका क्या होगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस में करना है, जनरली मेटल्स की प्लस में ही मिलती है, लेकिन कुछ है कार्बोनिलों में स्टेबिलिटी की वजह से ये माइनस में भी दिखा देते हैं, तो माइनस की होगी तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें जुट जाएगी। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करना है साइन के साथ। बिल्कुल, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड के पास है दो, एक कोऑर्डिनेट दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है। हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो खुद के तो है ही है। बिल्कुल सर, इसके अलावा लिगेंड भी इसी को तो दे रहा है, तो वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। और EAN का टोटल अगर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो वो कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखेगा। बिल्कुल, और मेटल कार्बोनिल हमेशा EAN रूल को फॉलो करेंगे। तो इसका निकाल लेते हैं सर, पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज सबको निकालना आती है, मैं सीधा लिख रहा हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज निकाले तो ये कोबाल्ट प्लस 3 में आ गया, क्यों सर? बिल्कुल, तो कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, 27 पे, ऑक्सीडेशन स्टेज प्लस 3 है, तो ये साइन के साथ बताया था मैंने, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, तो 4, 2, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, तो ये कितना आ गया, 24 प्लस 12 है, तो ये आ गया 36। बिल्कुल आंसर आ जाएगा 3। और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बिल्कुल आ रहा है, क्रिप्टॉन बन रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा हो। नेक्स्ट लेते हैं। बिल्कुल, मैग्नेटिक मोमेंट इन BM of nickel Cl का होल 4 माइनस 2। ये तो सर आपकी ट्रिक आ गई। बिल्कुल सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करो। सर ने कहा था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था आपको, और जितने अनपेड आगे उसका पॉइंट ऑफ कुछ होगा, समथिंग हो जाएगा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको अगर देखें तो निकल आपका यहाँ पे प्लस 2 में है, प्लस 2 में तो 3d8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो एक चीज और बोल देता हूं, आज आप इस चीज को गांठ बांध लो, फ्री मेटल आयन के पास जितना अनपेड होता है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के पास भी उतना ही अनपेड होगा। क्यों सर? बिल्कुल सर, तो मैंने सिर्फ निकल प्लस 2 के अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे, अब इसका वीक फील्ड के साथ आप चाहे कॉम्प्लेक्स बना दो तो भी उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दो ही रहेंगे, और ये वीक फील्ड के पास है तो दो ही अनपेड होंगे, तो जैसे कि सर ने कहा 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो अपना आंसर आ गया 3। क्यों सर? बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ पैलेटिनम इन टेट्राएमाइन डाइक्लोरोप्लैटिनम 4 क्लोराइड डायग्राम बनाएं। प्लैटिनम दिया है, प्लैटिनम दिया है, क्लोराइड अच्छा इसका वैसे ही बना लेते हैं, टेट्रा सीधा कॉम्प्लेक्स बना दे। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स बनाना हो आपको तो एक चीज का याद रखो आप हमेशा, इसके अंदर जब कॉम्प्लेक्स से आईपीएसी नेमिंग करते हैं अलग चीज है, जब आईपीएसी नेमिंग से कॉम्प्लेक्स करते हैं तो अलग चीज है, जब आईपीएसी नेमिंग करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, मेटल फॉलोड बाई लिगेंड। यहां पे क्या हो रहा है आपका, लिगेंड फॉलोड बाई मेटल, मतलब पहले मेटल ढूंढो प्लेटिनम, उसके बाद में लिगेंड ढूंढो टेट्राएमीन। क्यों सर? फिर आपको बोल रहा है डाइक्लोरो भी है साथ में, डाइक्लोरो तो Cl2, इसका चार्ज मान लो आप एक्स, और साथ में क्या बोल रहा है Cl माइनस। अब ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं सर, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे थे, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ही दे दिया उसी हिसाब से सर, सीधा सीधा आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी इसने 6 आ गई, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को बनाती है, और सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बैलेंस होती है, अगर आवश्यक नंबर में न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है तो एनायन का रूल होगा। क्यों सर? आगे इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो आप इसका 4 दिया है, इसका 0 हो गया, ये -2 हो गया, इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये x इक्वल टू आपका आ चुका है कितना, +2, तो +2 यहां लगेगा, 2 इसके साथ, और ये हो जाएगा आंसर अपना 4 आ जाएगा। जी सर, नेक्स्ट देखते हैं सर। जी सर,
कॉम्प्लेक्स सेवन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2.82। इसका मतलब ये हो गया 2.82 दिया हुआ, मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आप कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए, अभी क्वेश्चन किया था अपने, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। ये तो सर अपन ने बताया था इनको पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं 4s इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन जो जीरो आ जाता है। ये सोल्व कर चुके हैं अपन, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये भी सर अभी बताया था इनको, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दो आ गए, तो इसका मतलब आंसर तो अपना यही हो गया। बाकी इसको आप सोल्व करके देख लेना, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जीरो जीरो। और वैसे ही इसके पास करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका, और इसके अंदर वही पीछे की तरफ शिफ्ट होकर के वही sp3 आएगा आने को, तो लेकिन शिफ्टिंग होने से वही जीरो हो जाएगा, अनपेड sp3 और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जी जीरो, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में सब कंफ्यूज होते हैं कौन सा है, या तो उसकी सीरीज याद रखो, वरना एक ट्रिक है ऑलमोस्ट अपनी लग जाती है। जहां पर लोन पेयर डोनर का काम आपका कौन करे, हैलाइड करे, ऑक्सीजन ऑक्साइड करे, सल्फाइड करे, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड हो गए। और जहां पर लोन पेयर डोनर का काम कार्बन कर जाए, नाइट्रोजन कर जाए, फॉस्फोरस कर जाए, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बिल्कुल सर। दी कलर ऑफ ए टाइटेनियम H2 का होल 6 प्लस इज ड्यू टू, तो ये बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 3d2 4s1 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है डी। बिल्कुल सर, दो अनपेड यहाँ पर एक s में, लेकिन आपका जो कलर होगा वो डी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, वो डीडी ट्रांजेक्शन। जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन और डी का मेटल हो तो डीडी ट्रांजेक्शन, अनपेड इलेक्ट्रॉन और एफ का मेटल हो तो एफ एफ ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायामीन टेट्राएसिटिक एसिड इज, तो अपन EDTA-4 पढ़ते हैं, टेट्रा एसिटेट आयन पढ़ते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे टेट्रा एसिटिक एसिड की बात कर ली, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जहां पर माइनस था वहां पे एच जोड़ देना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, जिसमें ये लोन पेयर डोनर साइट होती है। और जब ये एच लिगेंड आता है ये तो हट जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये डोनर साइट हो रहा था, तो ऐसे ये बन जाएगा। जैसे कि अपना फॉस्फेट हो गया आपका, ये फॉस्फेट के अलावा अपन इसमें ले सकते हैं सल्फेट हो गया, तो ये अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते। There are four compound of nickel select the complex which will be attacked by magnetic field. Nickel के चार संकुल हैं, इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होगा? इसका मतलब क्या पूछना चाहता है? Paramagnetic. मतलब language घुमा दी थोड़ी। बिल्कुल सर। तभी अपन कर चुके हैं। ये तो जो attract होगा उसके लिए n is equal to not zero. तो ये तो सर अपन ने solve किया था, इसका तो DSP2 आया था zero था, और unpaired electron यहाँ पे zero थे। वैसे ही unpaired electron इसके बाद दो आए थे सर। बिल्कुल सर। वैसे ये आ गया, इसका भी अपन ने सोल्व किया था कि 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाते पूरे का पूरा पेयर। बिल्कुल सर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपन ने किया था और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आए थे। बिल्कुल। और ये अपना 3d8 हो गया, निकल प्लस 2 में है और वीक फील्ड और ऑक्टाइडल है, तो यहाँ पर पेयरिंग तो होगी नहीं, वो उसके साथ लग जाएगा पूरा, तो यहाँ पे sp3 d2 आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दो, तो ऐसे में आंसर आ जाएगा सेकंड और थर्ड। आंसर वैसे फोर्थ नंबर आ जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट चले। बिल्कुल सर जी। सर IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6 बताइए सर। देखो ऐसे में आप एसिड की फॉर्म में इनका नोमेनक्लेचर कर दो, ठीक है, तो आ जाओ आपका ये क्या हो गया, हेक्साक्लोराइड और ये प्लेटिनिक एसिड हो गया H2 का। इसका मतलब H2 बाहर लिखा हुआ है तो एसिड की तरह, एसिड की तरह मान लेना इसको। ऑक्सीडेशन स्टेज जरूर निकाल के साथ में लिखनी है रोमन डिजिट में, तो आपका आ जाएगा हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक। अब प्लेटिनिक कहीं इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड प्लेटिनेट फोर्थ कर देते हैं, लेकिन जब ये H2 बाहर की तरफ आए एसिडिक फॉर्म में काम ले रहा है, एक सफिक्स का यूज अपने को करना है। नेक्स्ट देखें, फॉर द कॉम्प्लेक्स शोइंग द स्क्वायर पिरामिडल, ये पिरामिडल की जगह आप क्या कर लेना, प्लेनर। प्लेनर बिल्कुल, ये टाइपिंग एरर आ गया, टाइपिंग एरर है थोड़ा। स्ट्रक्चर ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन इज, वर्क समतुल्य संकुल में संकरण में कक्षक उपयोग में आते हैं। इनको सर केमिकल बॉन्डिंग, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग में अपन बता चुके हैं कि प्लेनर की तरह आ रहा है, इसका मतलब भी आ रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी,
और इसमें d कौन सा काम आएगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर काम आता है, कौन काम आता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर अपने पास काम आता है। आप हमेशा याद रखो ये जब भी आएगा स्ट्रक्चर को प्लेनर की ओर ले आएगा, और dz जब भी आएगा आपके पिरामिड ठोक देगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना आंसर हो गया इसमें सर फर्स्ट, Which of the following order is correct is spectrochemical series of ligand? Spectrochemical series याद रखनी है सर, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बना देता हूँ। सबसे आपका आयोडाइड आ जाएगा, उसके बाद में आपका ब्रोमाइड आ जाएगा, फिर HCN आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में देना, जैसे जनरली गाइड में आपका S माइनस टू HCN के पीछे मिलता है, लेकिन अपने को NCERT के थ्रू जाना है सर, तो NCERT की पोजीशन NCERT को ही फॉलो करना है अपने को। फिर आपका नाइट्रेट आयन आ जाता है, फिर उसके बाद में फ्लोराइड आ जाता है, फिर आपका हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ऑक्सीलेट आ जाएगा, और आपका उसके बाद में H2 आ जाएगा, फिर आपका NCS आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ लोन पेयर दे रहा है सल्फर, इसलिए ये वीक फील्ड है, यहाँ लोन पेयर दे रहा है नाइट्रोजन, ये आपका स्ट्रॉन्ग बन गया, मतलब कि ये एम्बिडेंटेड है। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइट है, लेकिन डिफरेंट दो डोनर नहीं, दो डिफरेंट डोनर साइट है, और एक टाइम में एक ही काम करता है, एक यूज ले रहा है, तो यहाँ पे सल्फर भी दे सकता है, ये नाइट्रोजन भी, सल्फर देगा तो वीक फील्ड और ये देगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड। फिर आपका EDTA -4 है, फिर आपका आ जाता है NH3, फिर आपका EN आ जाता है, फिर आ जाता है आपका NO2- है, CN- है, और आपका आ जाता है CO। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बीच में और भी जोड़ सकते हो आप अलग अलग हाइट्स में, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमेशा CO को लेकर, CO और वीकेस्ट आपका हमेशा आयोडीन आयोडीन रहेगा। तो अपनी सीरीज उठा के देख लो तो साफ साफ पता चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये तो नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, दिख रहा है ये रहा सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये दिया है तो दो नंबर पे आ गया, फिर ऑक्सीलेट है, फिर ऑक्सीलेट आ गया, ये रहा फ्लोराइड है, फिर फ्लोराइड है फोर नंबर पे, फिर फ्लोराइड, मतलब आपके हिसाब से आंसर फर्स्ट आ गया। जी सर बिल्कुल, ये याद रख लो सीरीज। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सर। कौन द स्पीसीज इन टेट्राहेड्रल शेप इज, इनमें से किसका आकार चतुष्फलकीय है? टेट्राहेड्रल का मतलब क्या आ गया बेटा, अपने पास हाइब्रिडेशन कौन सा आना चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन आना चाहिए। इसमें सर एक चीज है, आयरन कोबाल्ट और निकल, इसी के साथ Ru, Rh और Pd साहब, ऑस्मियम, इरेडियम और प्लेटिनम, ये अपने ग्रुप हो गए डी ब्लॉक के। क्यों सर? बिल्कुल सर। अब हमेशा ध्यान रखना, इनके पास वीक वीक की तरह रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन ये जो है ये छह, इन सिक्स को याद रख लो, इनके पास वीक भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और उसका सिंपल सा आप लॉजिक देख सकते हो, जब कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करता है किस पर डिपेंड करती है, तो अपन देखते हैं 3D से 4D में जाते हैं, 4D से 5D में जाते हैं, तो 1.5 टाइम्स स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब वीक फील्ड यहाँ पे जो स्प्लिटिंग करता है ना, वही वीक फील्ड यहाँ पे इससे 1.5 टाइम करेगा, तो वो रेंज पहुंच जाएगी पेयरिंग से ज्यादा, और ऐसे में वीक भी आसानी से पेयरिंग कर लेगा। तो अपना सर ये पीडी आ गया, तो वीक फील्ड है फिर भी स्ट्रॉन्ग की तरह रिएक्ट करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हो जाएगा। इसका अपन ने देखा ही था स्ट्रॉन्ग फील्ड है, DSP2 हो जाएगा, और वो ही पहले इसके साथ तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, तो D2 SP3 हो जाएगा। SP3 D2 भी अगर इसका होता तो भी आपका टेट्रा तो नहीं बनता, हालांकि इनके पास प्लेटिनम और पैलेडियम के लिए तो गांठ बांध लो, हमेशा डायमैग्नेटिक बनाएंगे, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी DSP2 और डायमैग्नेटिक, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इनकी 6 भी, तो ये हमेशा इनर ऑर्बिटल D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन और डायमैग्नेटिक बनेगा, और ये आपका आ गया SP3, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखते हैं द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6-3 एंड FeCN का होल 6-4 एंड इसके पास आ जाओ, ये Fe+2 में आ गया, ये सॉरी D5 में होगा क्योंकि +3 में है, लेकिन D5 भी आपका वही होगा, ये +2 में आ गया, इसका मतलब ये आ गया 3D6,
ये भी डी टू एस पी थ्री का फर्क इतना सा है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है जीरो जीरो। अभी सर ने बताया था स्टार्टिंग फेरो एंड फेरिक, और ये आ गया 3d6। तो 3d6 आ गया, तो वही कंडीशन d2sp3, क्योंकि अभी अपन ने देखा NO2 अपन कहां लिख रहे हैं, En से भी स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं बिल्कुल, तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। तो ये आपका d2sp3 आंसर अपना जी, ऑल d2sp3। ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये याद रखना, ये लोन पेयर देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये दे देगा तो वीक फील्ड। तो यहां साफ साफ पता चल रहा है NO2 लिख रहा है, मतलब नाइट्रोजन दे रहा है, अगर ऑक्सीजन देता तो आपको NO फॉर्म में लिख, बिल्कुल। तो हाइब्रिडाइजेशन इनमें सब में सेम ही हो गया सर, बिल्कुल। तो आंसर फोर्थ आ गया, हाँ बिल्कुल सर। नेक्स्ट चले, बिल्कुल सर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, देखो ऑक्टाइडल की स्प्लिटिंग अपन करते हैं, खाली बेस पे कर देते हैं ये चीज, ऑक्टाइडल की स्प्लिटिंग करते हैं अपन 1 2 3 4 5, तो इसमें आपका T2G नीचे जाता है और EG ऊपर जाता है, तो ये चीज आप याद रखो, ये किसकी बात है, ओक्टा की। जब टेट्रा की स्प्लिटिंग करते हैं तो आपका EG नीचे आता है, हालांकि इसको E लिखा जाता है, T2G आपका जिसको T2 से डिनोट करते हैं, ये आपका ऊपर चला ऊपर जाता है। फिर जब स्क्वायर की करते हैं, एक चीज का ध्यान और रखना इनमें, बता देते ही है कि जब बात चल गई, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है तो आपको पता है डी है, जैसे कि सर ने पहले बताया था जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, कि एक तो इसमें T2G होते हैं, वो कौन है, DXY, DYZ और DZX, और इनकी स्ट्रक्चर सर ने बना के बताई थी आपको, कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें एक्सिस के बीच में होती है, और ये एक्सियल है आपके EG वाले, DX2, Y2 और DZ, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर होती है। तो यहां पे देखो, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये मेटल हो गई, ये लिगेंड हो गया, और ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो लिगेंड अप्रोच कहां कर रहा है, एक्सिस के ऊपर से, इधर लिगेंड अप्रोच कहां कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कहां से अप्रोच कर रहा है, जेड एक्सिस, मतलब कि लिगेंड एक्सिस से आ रहा है और इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे ही है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा और ये हाईली रिपेल्ड होंगे और इनकी एनर्जी अब नॉर्मली बढ़ जाएगी और ये जी ऊपर चला जाएगा, क्यों सर, बिल्कुल। और जब ये स्प्लिटिंग आप टेट्राहेड्रल की करते हो, तो टेट्राहेड्रल को आप इसको यू ही समझो, आप इस क्यूब बना करके आसानी से समझ लोगे इसको, टेट्राहेड्रल है, तो यहां पे क्या होगा, ये मेटल है, तो एक लिगेंड आपका ये रहा, एक ये रहा, जैसे ही दो और बनाओ तो वो इसी प्लेन में नहीं होंगे, अलग में चले जाएंगे, तो आप उसको यू बना दो, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहां पे साफ साफ पता चल रहा है ये अभी एक्स एक्सिस नहीं होगी, वाई एक्सिस। तो यहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है एक्सिस के बीच में से, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में डेंसिटी किनके है, नॉन एक्सिस, तो ऐसे में इन पे रिपल्सन ज्यादा होगा और ये ऊपर चले जाएंगे, इसलिए इनमें T2 ऊपर होता है, क्यों सर, बिल्कुल। ये कौन से हो गए सर, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल बिल्कुल सर, और ये कौन से हो गए, एक्सियल, अब अपना यूज लेते हैं एक्सियल को यूज लेते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। स्ट्रक्चर आपको सर बता चुके हैं, अगर फिर भी ध्यान में नहीं है तो आप केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देख लें, वीडियो देख लें। फिर बच गया अपना लास्ट स्क्वायर प्लेनर, इसको थोड़ा सा याद रख लो, ये जो भी है डी है N-1, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो स्प्लिटिंग में क्या होगा, टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग होगी पहले तो स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल के यो, तो ये तो आपका कौन कौन सा हो गया, DX2, Y2, DZ2, ये हो गया DXY, DYZ और DZX। लेकिन यही नहीं, इनकी स्प्लिटिंग एक बार और होगी, तो जिसमें यहां पर तो आ जाएगा आपका DZ2, ये चला जाएगा DX2, Y2। अब सबसे जो अबनॉर्मली काम होने वाला है वो होने वाला है इसके साथ, इनकी भी स्प्लिटिंग होगी जिसमें दो साथ रहेंगे और एक बिछड़ जाएगा, कौन सा, DXY, और यहां पे कौन कौन से आ जाएंगे,
बच गए वो डी वाई जेड, वो डी जेड है, इसीलिए जब एस पी थ्री डी थ्री आई बैठा है जैसे अपन लिखते हैं तो अपन कहते हैं कि ये इनवॉल्व होते हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर। तो अपने को पूछा था कि इसके अंदर है हाईएस्ट एनर्जी वाला पूछा था शायद अपने, क्वेश्चन क्या था सर? अच्छा ऑर्डर पूछा था, तो ऊपर जाते तो एनर्जी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी, फिर इससे कम डी एक्स वाई, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये एक्स जेड हाँ ये हो गए एक्स जेड और वाई जेड। देख ले ऑप्शन में। बिल्कुल सर, तो अपना ये आ गया, ये भी नहीं होगा, ये आ गया सर इक्वल दे रखी कौन सा फोर्थ, हाँ फोर्थ को बिल्कुल सर बिल्कुल, तो फोर्थ हो जाएगा। ए आई पी एम डी में पूछा हुआ भी है कि स्क्वायर प्लेनर के अंदर हाईएस्ट एनर्जी पे कौन होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट चलें सर। बिल्कुल सर, हालांकि इसमें से सी एफ एस वगैरह ये नहीं पूछता है स्क्वायर प्लेनर की। टाइटेनियम एच टू का होल सिक्स प्लस थ्री एब्जॉर्ब येलो रीजन पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट देन द ट्रांसमिशन कलर ऑफ द कंपाउंड इज, बताएं सर। देखो यहाँ क्या कह रहा है, अब्जो का हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, तो वही सर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था इसका तरीका कैसे करना है। तो देखो अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा येलो, येलो ऑब्जर्व करेगा तो इन दोनों का दिखेगा, और अगर इन दोनों में से ऑब्जर्व करता है तो वो येलो दिखेगा, और अगर ब्लू को ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑरेंज दिखेगा, और ऑरेंज को ऑब्जर्व कर रहा है तो ब्लू दिखेगा, ग्रीन को ऑब्जर्व कर रहा है तो रेड, और रेड को ऑब्जर्व कर रहा है तो ग्रीन। तो यहाँ पे विजिबल लाइट कौन सी, येलो ले रहा है, तो येलो ले रहा है तो इन दोनों का कलर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, इंडिगो तो दिया नहीं है, तो अपने पर्पल बैंगनी के साथ यहाँ पे दे देते हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट चलें। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organometallic compound is sigma and pi bonded? निम्नलिखित से कौन सा कार्बन धातु है जो कि सिग्मा तथा पाई बंधित होता है सर? तो देखो यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर बना के देखें तो ये तो आपका ओनली पाई लिगेंड है, ये सिर्फ पाई देगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अपन याद हो तो यहाँ पे ए नाइन होता है और ये होता है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होने की वजह से अपन ये मान सकते हैं कि ए नाइन अंदर पूरे में, ये पूरे के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, वो समझ गए होंगे आप सब, समझदार है। वैसे ये दूसरा आ गया और ये आपका आ गया Fe प्लस टू। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है ये ही डोनेट करेंगे, तो ऐसे में ये आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है लेकिन कैसा है, पाई बॉन्डेड। फिर दूसरी चीज इसमें जो ध्यान रखनी है वो ये, दो पाई तो ये हो गए, तो एक पाई के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो दो चार, और इसका मतलब भी लोन पेयर है, बिल्कुल छह छह में दो का भाग दो कितने आ गए, तीन, इसका मतलब ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ऐसा आपका किस की तरह काम में आएगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसके पास अगर बात करें जैसे सॉल्ट की, तो आपको पता है प्लेटिनम क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, तो इसको लिखने को तो यू लिख दिया जाता है स्ट्रक्चर को, लेकिन एक्चुअली में ये आता है आपका पाई है, पाई को डोनेट करता है। तो देखो सिग्मा भी है इसमें और पाई भी है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड PtCl3 एंड 2CH4। बाकी ये सिग्मा बॉन्डेड हो गया और ये ऑर्गेनोमेटेलिक में काउंट नहीं करेंगे, हाँ अकेला कार्बोनिल होता तो इसको पाई और सिग्मा और पाई दोनों के साथ काउंट होता है। क्यों सर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी सर, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, दिए गए संकुल में CONH3 का होल 5 CO3 Cl4, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल आर रिस्पेक्टिवली, बताइए सर। देखो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल लो, तो इसकी x मान लो ये 0 और सॉल्व करके देंगे, इसकी माइनस 2 होती है ये माइनस, तो ये प्लस 3 में आ गया, सॉल्व कर लो, मैं सीधे टिका रहा हूं। अब ये आ गया इसका मतलब 3d6 हो गया, बिल्कुल ये आ गया मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, d6 के पास हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाता है। तो यहां पे पूछा है, सबसे पहले तो आ जाओ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो यहां से ही पता चल जाएगा एक लिगेंड तो ये है और पांच लिगेंड ये है, सारे सारे मोनोडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गई 6। फिर दूसरा पूछ रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन स्टेज आ गई प्लस 3 प्लस 3,
फिर पूछ रहे अपने को सर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स, कॉन्फिगरेशन बता रहा है ना ये लो, तो डी इलेक्ट्रॉन ये कितने आ गए, सिक्स सिक्स। फिर पूछ रहे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गए जीरो, तो फर्स्ट आंसर 6360 फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जैसे सवाल बोल रहा है करते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल फॉर्म एन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, निम्न में से किसे अष्टफलकीय संकुल बनाना चाहिए। तो सर ये तो इनको बताया हुआ है ये चीज, तो ज्यादा सोचने वाली जरूरत है नहीं। डी फोर आपका कैसा है, लो स्पिन है, डी सिक्स आपका कैसा है, लो स्पिन है, तो ये बिल्कुल लो स्पिन और हाई स्पिन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ही है। क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर तो हमेशा क्या होता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, वो आपकी क्या होगी, पेयरिंग से कम रहेगी, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे भी। फिर डी एट हाई स्पिन हो गया, तो ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे में अपने पास सारे आगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हाँ वो अलग बात है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों सर? बिल्कुल सर, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन नेगेटिव चार्ज रखेगा जनरली, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये मेटल से सीधे जुड़ा हुआ है और मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम ही होगी, ऐसे में कार्बन ही पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो फेरोसिन अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी स्ट्रक्चर बनाई थी याद हो तो, Fe नीटा 5 सी 5 एच 5 2, ये फेरोसिन होता है आपका। इन लिगेंडो को अलग से दिखाने के लिए, पाई लिगेंड को अलग, पाई डोनर लिगेंड को अलग से दिखाने के लिए अपने नीटा 5 या नीटा 4 नीटा एक्स काम में लेते हैं, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने एटम के बीच डीलोकलाइज है वो नीटा की फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो ये तो आपका इसमें मान लेंगे। फिर आ गया सिस प्लेटिन, तो सिस प्लेटिन में NH3 2 CH2 होता है, और अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो सिस की बात कर रहा है कि NH3 होंगे वो 90 के एंगल पे होंगे, और ये भी आपके 90 पे, तो ये सिस आइसोमर होगी। क्यों सर? बिल्कुल सर, 180 पे जाते हैं तो ये ट्रांस होता है, तो सिस प्लेटिन कैंसर के ट्रीटमेंट में ये काम में ली जाती है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, इधर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो कार्बन की तो बात ही नहीं कर रहा, कार्बन कहीं पे है ही नहीं, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता। सेकंड आंसर आ गया, गिडनी रिएजेंट आप सब जानते हो ही, आप सिंपल से ये लो, आप जो पढ़ते आए उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ये आपका पार्शियली। क्यों सर? बिल्कुल। और जैसे सॉल्ट अभी मैंने आपको बताया था, प्लेटिनम है Cl3 और C2H2। क्यों सर? अपन ऐसे बोल सकते हैं मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ऑर्गेनोमेटेलिक सामान्यतः ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। बस ये ध्यान रखना है कि मेटल के ऊपर पार्शियली नेगेटिव वहां पर है या नहीं। आजकल मेटल जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। यस सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन निकल सीएन का होल 4x कॉम्प्लेक्स। वैसे तो सर ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, क्योंकि इसने कोई हिंट नहीं दिया है, लेकिन जनरली अपन ये मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 में आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। कितना आ जाएगा इसमें? -2 आ जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, क्योंकि ये 2 इसको +2 मान के करना पड़ेगा, ये -4 = x, x = -2। हालांकि ऐसा सवाल आपको मिलता है तो सिर्फ सेंस के बेस पे आपको करना होता है, इसलिए हमने डाला है कि आप याद रखते हो या नहीं हो। इसके लिए आप याद रख लो थोड़ा सा, Fe+2 Fe+3 क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 मैग्नीज+2 मैग्नीज+3 प्लेटिनम+4 पैलेडियम+4 Cobalt+2, Cobalt+3 ये आएंगे तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। निकल आपका +4, निकल जब भी आपका +2 में आएगा तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी दे सकता है और 6 भी दे सकता है, लेकिन जनरली इसकी 4 मिलेगी। इसके अलावा अपन आगे बात करें, प्लेटिनम+2 पैलेडियम+2 और सेकंड बी के जितने भी +2 में होंगे तो वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने देंगे, 4 देंगे। फिर इसके बाद में आता है कॉपर +2, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकती है और 4 भी,
तो जनरली इसको देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक मिनट सर ये नहीं अपन बात कर रहे थे, इसके खोल लेते हैं AU प्लस थ्री, इसकी भी फोर होगी, कॉपर प्लस टू इसकी भी फोर ही होगी, फिर बात करते हैं कॉपर प्लस की, ये दो भी हो सकता है और चार भी, लेकिन जनरली इसकी दो मिलेगी, और Ag प्लस और AU प्लस इनकी हमेशा दो मिलेगी। ये थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है, क्यों सर? हाँ सर, हाईएस्ट मोलर कनेक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड बाय सर्वाधिक मोलर चालकता दर्शाता है, जिसके साथ नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो, नंबर ऑफ आयन ज्यादा और चालकता ज्यादा, अगर नंबर ऑफ आयन सेम मिल रहे हैं तो हमें क्या देखना होता है, चार्ज देखना होता है, इस पर चार्ज ज्यादा होगा चालकता ज्यादा होगी, पर ये नंबर ऑफ आयन से हो रहा है तो नंबर ऑफ आयन अपने को मैक्सिमम कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, तो आंसर अपना कौन सा देगा, बिल्कुल फर्स्ट आ जाएगा। देखो पहले भी बताया था सर ने कि आयनाइजेशन हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर का होगा, तो तीन आयन तो ये और एक ये कुछ चार आयन, चार इसके बाद दो और एक तीन आयन हो गए, इसके पास एक रे दो आयन हो गए, इसके पास जीरो आयन है नहीं, बिल्कुल। तो इसका सीक्वेंस देखा जाए तो पहले की सबसे ज्यादा, फिर तीसरे की, फिर दूसरे की, और फिर फोर्थ की, कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेता है सर।